हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं वेद प्रकाश त्रिपाठी आपका आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे जो चौराहे पर रखी धार को यदि आप क्रॉस कर जाते हैं तो आपको करना पड़ता है समस्याओं का सामना। प्रिय दर्शकों, आज हम इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। कहीं आप चौराहे पर रखे टोटके का शिकार तो नहीं हो गए हैं? क्या आपको अचानक से बुरे बुरे स्वप्न दिखाई देने लगे या अचानक से मन में बुरे बुरे ख्वाब आने लगे या अचानक से स्वास्थ्य में कमी आने लगी या अचानक से हाथ पैर कमर व सर में दर्द होने लगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चौराहे पर रखे टोटके का शिकार हो गए हों? यदि इन समस्याओं का कर रहे हैं सामना तो करें यह महाशक्तिशाली उपाय। आइए चर्चा करते हैं इस विषय में। आपने देखा होगा चौराहे पर कभी धार पड़ी होती है, कभी नींबू, कभी नारियल, पत्तल में रखी हुई पूड़ी, कभी कभी तो आपने यह भी देखा होगा चूड़ी, बिंदी, कुमकुम, खिलौने व झाड़ू तक भी पड़ा रहता है। सबसे अधिक यही सामग्रियां देखी जाती हैं। और भी बहुत सारी सामग्रियां रखी जाती हैं। यह क्यों रखी जाती हैं, आइए हम जानते हैं। घर में या परिवार के किसी भी सदस्य को बीमारी या बाहरी बाधाओं से मुक्ति हेतु लोग उतारा करते हैं और चौराहे पर छोड़ देते हैं। कुछ लोग पंडित ज्योतिषी और तांत्रिक के कहने पर ऐसा करते हैं, कुछ लोग किसी प्रकार की बुरी नजर से बचने के लिए ऐसा करते हैं। हालांकि यह एक अंधविश्वास ही माना जाता है, लेकिन आज की परिस्थिति में इसे पढ़े लिखे लोग भी मानते हैं। दरअसल भय बहुत बड़ी चीज होती है। यदि आप गलती से चौराहे पर किसी भी प्रकार की सामग्री या उपाय को लांग जाते हैं या क्रॉस कर जाते हैं तो आप भयभीत हो जाते हैं और भय की वजह से आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम आपको बताएंगे पक्की धार की संपूर्ण विधि। जी हाँ प्रिय दर्शकों, यदि आप पक्की धार की विधि को अच्छी तरह से समझकर करते हैं तो निश्चित ही आपकी समस्याओं का होगा समाधान। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पक्की धार कब डालें, पक्की धार कैसे डालें, कौन कौन सी सामग्री पक्की धार में डाली जाती है और किस जगह पक्की धार डाली जाती है। इसकी संपूर्ण विधि आप जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें। प्रिय दर्शकों, संपूर्ण विधि इस प्रकार से है। अष्टमी या अमावस्या में रविवार, मंगलवार या गुरुवार पड़े, इस दिन रात्रि 12 बजे ही धार डालें। पक्की धार तांबे के लोटे में या फूल के लोटे में रखकर अपने इष्ट देवता व कुल देवता का स्मरण करें एवं घर से निकलते समय किसी से बात न करें और चौराहे पर धार छोड़ते समय क्षेत्रपाल देवता से अपनी समस्या कहते रहें। धार छोड़ने के बाद घर लौटते समय पीछे मुड़ कर न देखें और घर पर आकर हाथ पैर धुलें या स्नान करें, निश्चित ही आपकी समस्याओं का होगा समाधान। प्रिय दर्शकों, इसमें कौन कौन सी सामग्री डाली जाती है, आइए इस विषय में भी हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे नंबर एक पर 5 फूल लौंग डालें, दूसरे नंबर पर 1 पीस कोयला डालें, तीसरे नंबर पर 7 बूंद सरसों का तेल डालें, चौथे नंबर पर 7 चुटकी पीला सिंदूर, थोड़ा थोड़ा पीला सिंदूर 7 चुटकी डालें, पांचवें नंबर पर 3 पीस जौ, जवा जो होता है वह 3 पीस आपको डालना है, छठे नंबर पर 5 पीस महुआ, महुआ मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगा, महुआ 5 पीस आपको डालना है, सातवें नंबर पर 7 बूंद माला इत्र जो होता है, माला इत्र 7 बूंद आपको डालना है, जल एवं गुलाब जल एवं उसमें गुलाब के थोड़े से फूल डाल लेने हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से इन सभी सामग्री को एकत्रित करके आप पक्की धार को डालें और निश्चित ही आपकी समस्या का होगा समाधान। प्रिय दर्शकों, यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे इस जानकारी। प्रिय दर्शकों, यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सके और इसका लाभ उठा सकें।
प्रिय दर्शकों, ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु एवं पक्की धार अपने घर मंगवाने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। जय महाकाल प्रिय दर्शकों।